एक कैदी तो जेल से भागने की कोशिश करेगा ही, क्योंकि वो अपराधी है। लेकिन उससे भी बड़ा अपराधी वो है जिसने उसे जेल से भागने में मदद की है। ये तो बड़े शर्म की बात है। वो तुम में से कोई है, बताओ वो कौन है? नीचे क्या देख रहे हो? मेरी आंखों में आंखें मिलाकर देखो। जब खतरे का अलार्म बजा तो तुम कहां थे? सर, अलार्म तो मैंने ही बजाया था। मैंने पूछा तुम कहां थे? अपने ऑफिस में। पावर कंट्रोल रूम में टॉर्च लेकर गए थे? सर, टॉर्च लेने का टाइम ही नहीं था। लेकिन फ्यूज पर तो तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। इसका मतलब तुमने फ्यूज छुआ था। नहीं सर, फ्यूज में मेरी उंगलियों के निशान हो ही नहीं सकते, क्योंकि फ्यूज को अपने हाथ तक नहीं लगाया और मेन स्विच ऑन कर दिया। यस सर। तुम ड्यूटी पर हो, अचानक अंधेरा हो जाता है तो बिना टॉर्च लिए मेन पावर रूम में जाते हो, फ्यूज को चेक किए बिना तुम मेन स्विच ऑन कर देते हो, है ना? यस सर। क्योंकि तुम जानते थे कि कुछ ही देर पहले तुमने ही मेन स्विच ऑफ किया था और तुम वहीं पे खड़े थे। ये शट अप। आदर्श कैन गो। सर देखो, आप मुझे मार नहीं सकते। मैं भी एक अफसर हूँ और अफसर पे हाथ उठाना गैरकानूनी है। गैरकानूनी है? ये कैदी की कोठरी का ताला खुला छोड़ देना कानूनी है? मेन पावर स्विच ऑफ कर देना कानूनी है? कैदी को भगाने के लिए 1,00,000 रुपए लेना कानूनी है? बोल। मुझे 1,00,000 नहीं सर, सिर्फ 30,000 बोले थे, सिर्फ 30,000। बोल किसने दिया? बोल। जल्दी बोल। बता दो सर, बताता हूँ। एक आदमी ने मुझे 3 मिनट में स्विच ऑफ करने के लिए 30,000 दिए थे। कौन है वो आदमी? सर, मैं सच कहता हूँ, मैं नहीं जानता। मैंने पहले उसे कभी देखा ही नहीं। You are suspended. हाँ, टाइगर पकड़ा गया। सेवक ने तो अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन वो जेलर ठीक उसी वक्त वहां पे पहुंच गया। क्या नाम है उसका? सिद्धांत नाम है उसका। काफी हिकड़ू किस्म का आदमी, काफी सख्त। जेल के सारे कैदी उसे हिटलर के नाम से जानते हैं। हिटलर के नाम से पूरी जेल में उसकी दहशत है। साला किशोरी लाल,
किसी भी कीमत पर शराब का ठेका छोड़ने वाला नहीं है। अब क्या होगा? नीलामी से पहले मैं किशोरी लाल से मिलना चाहता हूं। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि हर साल शराब का ठेका हमारे भाई के नाम पर छूटता है, और ये सब जानते हुए भी तुम हमारे रास्ते में आते हो। तुम्हारी धमकियों से डरने वाला मैं नहीं हूँ। जिसके पास दौलत होती है वही जंग जीतता है। अगर तुम्हारे भाई में हिम्मत है तो मुकाबला करके बताओ। आज तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमसे जबान लड़ाने लगा, कल तक हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, हमारे नीचे काम करने वाला, आज हमारे सामने ऊंचे सुर में बोलने लगा है, हमसे मुकाबला करने चला है। अंकुश राज, अगर तुम्हारा एक हाथ उठेगा तो मेरे चार हाथ उठेंगे, और यह सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात कल होगी। कल भैया, आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? ये लो, पैसा देने के लिए मेरी मनाही नहीं है, लेकिन टाइम पे पैसा वापस ही नहीं मिलता। नहीं सेठ जी, इस बार आपको शिकायत नहीं होगी। कल शराब का टेंडर खुलते ही एक महीने के अंदर आपके पैसे मिल जाएंगे। ये वादा अपने भाई अंकुश को बता देना, बात बात में टेंपर लूज करता है वो आदमी। इस बार नहीं होगा सेठ जी, चलता हूँ। My dear sister, क्या आप ये आवाज कम कर सकती हैं? मुझे भी गाने सुनने हैं। My dear दीदी, अगर आपको गाना ऐसे बात आता है, भाव उठाइए और उसको नमक चाहिए। Yeah. क्या बदतमीजी है? दिखताने में कराटे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। माय डियर भतीजे, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन बन जाओ। मैं ये गाने कहीं और सुन लूंगी, समझे? प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई ना बता इसका हल ओ मेरे भाई। क्या गाना है, जी चाहता है कि मैं नाचती ही रहूं। तो नाचो ना भाभी। रानी, क्यों ना हम ये गाना सुनते हुए कैरम भी खेलें? वाओ, व्हाट एन आईडिया। वेरी बैड, वेरी बैड। भाभी, 15 से मेरे एग्जाम्स हैं, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल दिल ही नहीं लगता। अरे पढ़ाई करके कौन आगे बढ़ा है, मुझे ही देखो, आखिर लॉ करके मैं हाउसवाइफ ही बन गई ना। अरे औरतें कितना भी पढ़ाई करें, उन्हें आखिर घर बैठकर खाना ही पकाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा भाभी।
गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून डैडी। गुड आफ्टरनून। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है भैया। बहुत अच्छी भैया। एग्जाम कब है? 15 से। और मुन्ना तुम्हारा? डैडी मेरे एग्जाम्स तो खत्म हो गए। डैडी ये रहे मेरे मार्क्स। लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक कर लिया करो। ओके डैडी। कॉफी। पता है इस साल छोटी क्लास में फर्स्ट आएगी, बेचारी बहुत पढ़ाई करती है। और देख लेना बड़ी भी इस साल बीए पास कर लेगी। हाँ सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करा दूँ। है कोई नजर में? हाँ लड़का तो ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, नौकरी कर रहा हो, अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझ रहा हो। वैसे तुम्हारा वो प्यारा सा देवर कहाँ है? बेचारा भटक रहा होगा नौकरी की तलाश में। तुम हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती हो। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ, ये क्यों नहीं कहती कि अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं मस्ती कर रहा होगा? उस जलन ने मेरी बेइज्जती की है, बहुत बुरा किया उसने। उसने मुझसे पंगा लेकर अपनी मौत को आवाज दी है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई साहब, आपका भी इसके साथ खुदकुशी करने का इरादा है क्या? तू, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तेरे भाई एक जिम्मेदार अफसर है ना? मैं जानता हूं मोंटी, लेकिन जब भी कोई मेरे भाई के बारे में कुछ बुरा कहता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चल ठीक है, अब रहने देना। पॉपकॉर्न खाएगा? 5 रुपए हैं मेरे पास, चल। तेरे घर आने का। हाँ भैया सो रहे। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ, चलो। अरे भाभी आहिस्ता, धीरे बोलो, भैया जाग जाएंगे। सॉरी भाभी। भाभी आज मैं और मोंटी एक ऐसी जगह गए कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। वहाँ पहले खाना, चलो। अरे वाह भाभी वाह, वाह भाभी वाह। वो भी भाभी, क्या खुशबू आ रही है भाभी, तुम कितनी अच्छी हो। इतनी रात तक क्या कर रहे थे? इसे खाना तो खा लेने दो। आप चुप रहिए, बोलो कहाँ गए थे? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं का क्या मतलब? सड़कों पे भटक रहा था। क्यों घर नहीं आ सकते थे? बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं, जल्दी घर आता हूँ तो आपके बेकार सवालों के जवाब देने पड़ते हैं मुझे। अच्छा तो मेरे सवाल बेकार है? अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना बेकार नहीं, लोगों के साथ झगड़ा करना बेकार नहीं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना बेकार नहीं। अरे आखिर तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? क्या नौकरी करूं मैं? आजकल बिना सिफारिश और रिश्वत के तो नौकरी मिलती नहीं है। सिफारिश तो आप नहीं कर सकते और रिश्वत के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इसमें चाहे मेरी जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। अरे आखिर आपको मेरी क्या चिंता है? हाँ मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं ना। देखा जो भाई मेरे सामने नजर नहीं उठाता था, आज बराबर का जवाब दे रहा है। किसी को लगातार डांटते रहोगे तो वो एक दिन दुखी होकर जवाब देने लगेगा और फिर हम लोग उसी को ही दोषी ठहराएंगे। हम ये भूल जाएंगे कि हम ही ने उसे जवाब देने पे मजबूर किया है। मैं जानता हूँ तुम शादी से पहले वकील रह चुकी हो, गलत को सही और सही को गलत साबित करना तुम्हें अच्छी तरह से आता है। और बहस में मैं तुमसे कभी जीत नहीं सकता, लेकिन हमेशा उसकी वकालत करके तुम अच्छा नहीं कर रही हो।
तुम्हारे लाड प्यार ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। लेकिन जब मुसीबत में फंस जाएगा तब तुम बहुत पछताओगी। एटी क्यों भैया, एटी कैसे गुजरी रात? मजा आया भैया की डाक खाकर? अरे छोड़ ना मुन्नी, सुबह सुबह बड़े भैया की क्या बात करना। वैसे भी तुझे भैया की आदत तो मालूम ही है ना, बिना डांटे उन्हें खाना हजम ही नहीं होता। और वैसे भी भगवान ने हमें दो कान किस लिए दिए? किस लिए चाचू? एक कान से सुनने के लिए और एक कान से निकालने के लिए। यस, भगवान ने एक दिमाग भी बनाया है, उसे अच्छे काम में इस्तेमाल करने के लिए। ये अरे ये क्या भाभी, मुझे तो चाय चाहिए थी। एक्सरसाइज के बाद शरीर को ताकत की जरूरत होती है और ताकत मिलती है दूध से, इसलिए दूध जो है वो चुपचाप पी जाओ, वरना 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 क्या कर लोगी भाभी? भैया से शिकायत कर दोगी? अरे मैंने भैया से ना डरने का फॉर्मूला बना लिया है भाभी। फॉर्मूला? हाँ। अरे सिंपल सी बात है भाभी, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। अरे तुम्हारे भैया तुम्हारे दोनों कान ही निकाल देंगे। हाँ वो तो है, नाम हिटलर क्या है, इस घर को जंग का मैदान बना दिया है। एक बात बताओ भाभी, आपने इस पत्थर दिल पर फूल कैसे उगा दिए? मेरी जादू से। अरे तुम्हारे भैया तो बहुत हिटलरी झाड़ते थे, फिर मेरी जुल्फों के जाल में ऐसे फंस गए कि आंखों से प्यार और होठों से इजहार करने पे मजबूर हो गए।